Hey guys welcome to an academy so this is our youtube channel let's crack cbse commerce Hey guys uh, I'm riti spandana I'm Rithi Spandana, I've done my BTEC. I have 9 years plus teaching experience and I'm a faculty from Hyderabad. So this is about our uh, An Academy platform. So a quick introduction. What is it that you can expect when you download our An Academy app and uh, start uh, your subscription there? सो यू कैन अवेल डेली लाइव क्लासेस तो आपको घर बैठे सिर्फ एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ सारे सेशंस अटेंड करने को मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स के और लाइव सेशन्स का सबसे बड़ा एडवाटेज रहे you know, um, so ये रहेगा दैट यू नो यू कैन बेसिकली आस्क ऑल योर डाउट्स एंड गेट दैम ऑल क्लियर थ्रू द क्लास इन द क्लास इट्सल्फ सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि आप डेली लाइव सेशंस के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं वो डायरेक्टली एजुकेटर से उसी समय आप क्लियर कर सकते हो लाइव टेस्ट ऑन क्विज बेसिकली हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग वॉट आर योर स्ट्रोंग एरियाज़ इन वॉट आर योर वीक एरियाज़। अनलिमिटेड एक्सेस बेसिकली हेल्प्स यू इन से आप एक कोई लाइव सेशन मिस करते हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट यू कैन ऑलवेज अटेंड अ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ द सेम वी ऑल्सो हैव फ्री स्पेशल क्लासेस सो दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू मिस सो प्लीज़ डाउनलोड दी एप टुडे ताकि आप ये फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो ऐप पे दिस विल गिव यू अ बेसिक आइडिया आपको इंटरफेस का भी uh, आदत हो जाएगी और आपको समझ में आएगा क्लासेस कैसे कंडक्ट होते हैं और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सो प्लीज़ डाउनलोड दी एप टुडे ताकि आप ये स्पेशल क्लासेज अटेंड कर सको ऑल यू हैव टू डाउनलोड दी अन अकेडमी लर्निंग एप और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन से क्लास के लिए आप uh, uh, कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो ऑन दैट सेट वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम एप सो यू कैन फाइंड द टेलीग्राम चैनल लिंक माई अनअकेडमी एजुकेट प्रोफाइल एंड ऑल्सो द लिंक फ्रॉम वे यू कैन डाउनलोड द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बिलो तो कमिंग टू द सब्सक्रिप्शन ये अगर आप देखोगे ये सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट है ओके okay, तो मैं क्विकली आपको समझा देती हूँ ये ड्यूएल सब्सक्रिप्शन एक ऑप्शन आपको अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है हमने सो इट इज़ अ व वेरी एडवांटेज़स ऑप्शन दैट यू हैव फॉर एग्ज़ाम्पल आपवेंथ के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि आपका जब ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिखोगे तो इलेवेंथ का बहुत सारा सिलेबस जो है वो एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको मिलेगा सो इफ़ यू हैव अ ड्यूअल सब्सक्रिप्शन यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली कंबाइन दीज टू एंड यू कैन अटेंड हैव द नोट्स एंड पी फाइल्स एंड एडुकेटेड एक्सेस फॉर द एंटायर टू योर पीरियड ओके तो अगर आप इंडिविजुअल लेते हो ये साल अलग फिर अगले साल अलग तो आपको फिफ्टीन थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड थर्टी थाउजेंड हो जाएगा बट अगर आप ड्यूअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हो तो इट्स ओनली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो आर आई टी आई यू कैन अवेल अ टेन परसेंट डिस्काउंट और आपको ड्यूल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी वन ईयर में सिर्फ लेवन थाउजेंड टू फिफ्टी में आपको पूरे ईयर का मिल रहा है एंड इफ़ यू डबल इट टू ईयर्स का ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड में मिल रहा है एंड वी हैव नो कॉस्ट ई एम आई यानी आप सिक्स मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स ट्वेंटी फोर मंथस का प्लान ले सकते हो नो कॉस्ट ई एम आई एंड इफ यू आर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और अगर आपको एक ही साल का चाहिए सब्सक्रिप्शन तो यू कैन टेक द ट्वेल्व एंड यू यूज माई कोड आर आई टी आई यू कैन अवेल टेन परसेंट डिस्काउंट और आपको वो पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो प्लीज डू नॉट डिले एनरोल टूडे सो टूडे वी आर डूइंग दसन डीप वॉटर लेट्स बिगन William Douglas is the uh, author of this book Deep Water. He was born in 1898 and he lived till 1980. Was born in Maine, Minnesota. Minnesota is in the US. After graduating with a bachelor's degree in arts in English and economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career.

lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court yani us ke history mein court mein sabse lamba kisi ne agar kaam kiya hai to wo hai ye और unho वो retirement लिए 1975 में okay any doubt so far ओके लेट्स कंटिन्यू सो वो एटी टू ईयर्स के थे एज़ यू कैन सी योर इफ ए काउंट इट्स एटी टू ईयर्स डेट ही लिव्ड और वो रिटायरमेंट लिए हैं नाइनटीन सेवेंटी फाइव में यानी वो सेवेंटी सेवन ईयर्स तक जो है जज बने रहे और सेवेंटी सेवन के एज में उन्होंने रिटायरमेंट लिया है द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज़ टेकन फ्राम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाई विलियम ओ डॉगलिस इट रिवील्स हाउ एज अंग बॉय विलियम डॉगल इज नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिस् फीयर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवर केम इट नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सेलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट दिस डिस्कशन ऑफ़ फियर तो उन्होंने अपने एक छोटे से लाइफ के इंसिडेंट को बताते हुए उन्होंने फियर के बारे में बात किया है ये एक ऐसे है उनकी उनसे लिखा हुआ ऐसे है so we're going to do that essay right now so we're going to look at these words while we are doing it it happened when i was 10 or 11 years old i had decided to learn to swim there was a pool at the ymca in yakima that offered exactly the opportunity the Yakima River was treacherous, treacherous means something that is dangerous. It doesn't look dangerous, but it is actually very dangerous. okay Mother continuously warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the. रिवर यानी yani, वो रिवर जो है वो बहुत ही डेंजरस रिवर था और उसमें जो है आ, न, बहुत सारे लोग डूब के मर गए थे और उनकी मदर जो है वो उनको वॉर्न करती रही कि वो रिवर डेंजरस है और उसमें डूब के मरने के चांसेस हैं बदवाइम्स ये पूल वॉज सेफ इट वॉज ओनली टू और थ्री फीट डीप एट द शैलो एंड एंड वाइल अटू ऑज़ नाइन फीट डीप एट दी अदर यानी वो ए, कोई भी स्विमिंग पूल आप देखते हो तो वो एक जगह पे शैलो होती है और धीरे धीरे से उसका डेप्थ बढ़ते जाता है तो वो वाई एम सी ए के पूल की बात कर रहे हैं कि वो रिवर तो बहुत डेंजरस है पर ये पूल जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक शैलो साइड भी, भी है और एक डीप साइड भी है एंड वाइल अटूज नाइन फीट डीप एट द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल

the state is named after the indigenous indigenous means native okay native yakama people okay so this is the so this is the river Okay. But I subdued my pride and did it. He did not want to get into the pool naked, but then he swallowed his pride and he got into the pool.

आई हर्ड ऑन आई हंग ऑन टू हेम हंग ऑन पकड़ के जकड़ के बैठा था येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड swept ओवर मी फिर भी वो वेव्स जो है वो छोटा बच्चा था तो उनके ऊपर से निकल गए आई वॉज बेरीड इन वाटर यानी वाटर के अंदर वो दब गए थे माई ब्रेथ वॉज गॉन आई वॉज फ्राइटेंड फादर लाफ्ट बट there वॉज terror इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स वो उनके पापा हंस रहे थे क्योंकि कोई बहुत डेंजरस चीज़ नहीं थी वो शोर पे ही थे और उनके फादर थे हेल्प करने के लिए बट उसके मन में बच्चे के मन में जो डर बैठ गया था वो बहुत स्ट्रांग था माई इंट्रोडक्शन टू द वाईएमसी स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अन मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स तो बचपन में जब कोई एक इंसिडेंट ट्रोमैटिक इंसिडेंट होता है तो उससे सिमिलर कोई भी इंसिडेंट आपको लाइफ में दिखता है तो आप को वापस से वो फीलिंग्स और वो इमोशंस याद आती है ओके दिस इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल टेक्निकल टर्म फॉर इट इट्स कॉल्ड ट्रामेटिक एनिवर्सरी ओके okay, तो जैसे बर्थडेज और यू नो बाकी चीज़ों की एनिवर्सरीज होती है हर साल आते हैं वैसे जब कोई बहुत ही ट्रोमैटिक सिचुएशन से आप लाइफ में गुजरते हो जब वो समय आता है अगले साल में या कभी भी तो आपको वही सेम डर और वही सेम फीलिंग्स जो है वो ट्रिगर होते हैं उसको ट्रोमैटिक एनिवर्सरी बोलते हैं but in the little while i gathered confidence i paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn and aping them, aping them, meaning copying them. i did this two or three times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. misadventure, yani, koi adventure, diska, natija, jo, boti karabhoi. i went to the pool when no one else was there. the place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as clean as a bathtub. I was timid, timid as scared, about going in alone. So I sat on the uh, side of the pool to wait for others. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably eighteen years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen, with legs and arms that showed rippling muscles. he yelled, "Hi skinny, how do you like to be ducked? Ducked is pushed into the water. Okay, so there was a big boy who came and he was bullying him. Okay, bully yani darana तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लड़का आया था जो इसको डरा रहा था और औथर से पूछ रहा था क्या तुमको पानी के अंदर जाना है? Okay, so with that he picked me up and tossed me into the deep end. वो जो है उस बच्चे ऑथर को, को उठाए अपने हाथ से और वो डीप एंड में धकेल दिया आई लैंडड इन सिटिंग पोजिशन सॉलिड वाटर यानी वो इतने फोर्स से गिरे कि वो नीचे चले गए डीप वाटर में और उन्होंने पानी पी लिया एंड वेंट एट टू द बॉटम आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स यानी विट यानी सोच समझ तो समझ के बाहर डरे हुए नहीं थे वो ऑन द वे डाउन आई प्लैंड When my feet hit the bottom, I would make a big jump and come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो so, इन्होंने plan प्लान बनाया कि जब वो bottom तक जाएंगे तो अपने पैरों से धक्का दे के ऊपर आएंगे और ऊपर आते ही तुरंत पीछे की तरफ जो है लेट जाएंगे और paddle करते हुए शोर में पहुंच जाएंगे यानी स्विमिंग पूल के पास शोर में पूरी एक रॉड रहती है तो उसको पकड़ के आप बच सकते हो वैसा उन्होंने प्लान बनाया इट्सम लॉन्ग वे डाउन दो इज नाइन फीट व मोर देन नाइन्टी एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट यानी वो नाइन फीट था तो जब तक वो ऑथर पानी पी चुके थे और वो अंदर जाके जब तक उनके पैर टच नहीं होते उन बहुत ज़्यादा उनके लंग्स में पानी भर गई थी और वो सांस नहीं रोक पा रहे थे बट वेन आई वेन माई फीट हिट द बॉटम आई ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक तो उन्होंने कॉर्क सो so वो इस प्रकार से जंप मारे तो उन्होंने तुरंत जो है ऐसे उठे तो उनको लगा कि एक कॉर्क जब उछलता है तो जिस स्पीड से उछलता है वैसे वो स्पीड से ऊपर आएंगे instead I इन स्टेड आई केम अपलोली आई ओपन माई आई सेंथिंग बट वो धीरे से ऊपर आए इतने तेजी से ऊपर नहीं आए जितना उनको लग रहा था it I grew panicky तो वो जब आए तो उनकी आंखें खुल नहीं रही थी आंखें खोल के देखे तो पानी जो है उसमें पूरी येलो कलर की कोई अः कुछ दिख रहा था बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा था तो उनको डर लगा if to ग्रैब अ रोप एंड my hands क्लचड ओनली एट वाटर आई was सफोकेटिंग तो उनको सांस नहीं आ रही थी आई yell, टू येल बट नो out. आउट देन eyes and nose came out आउट द water, बट नॉट my माउथ बट उनके जो है आंखें और नाक पानी से बाहर आया पर मुंह नहीं बाहर आया क्योंकि वो इसीलिए वो चिल्ला नहीं पा रहे थे हेल्प के लिए आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर स्वॉलोड एंड चोक्ड तो उन वो और पानी पी लिए और वो चोक हो गए आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरलाइज एंड रिजिड तो डर के मारे वो अपने पैर को मारना चाह रहे थे पर वो भी नहीं कर पा रहे थे अ ग्रेट फोर्स वो पुलिंग मी अंडर आई आइसक्रीम्ड बट ओनली द वॉटर हर्ड मी वो चिल्ला रहे थे पर जो क्योंकि पानी में थे उनकी चीख जो है सुनाई नहीं दे रही थी आई है लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल यानी वो वापस डूब रहे थे आई स्टक एट द वॉटर एज अ वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एट एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इनरेजिस्टेबल फोर्स तो नाइटमेयर्स में जिस प्रकार से हम चीज़ों से लड़ते हैं उसी प्रकार से वो इस पानी से लड़ रहे थे आई लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ माई लंग्स एक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और उनको सर दर्द होने लगा मिलताने लगती है स्ट्रैटी आई वु स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ दूल एंड कम लाइक अर्क टू द सर्फेस तो उनको फिर से याद आया कि मैं दोबारा ट्राई करूंगा आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वॉटर स्ट्राइक आउट विथ माई आर्मस एंड थ्रैश विथ माई लेग्स तो उन्होंने सोचा कि मैं जैसे ऊपर आऊँगा मैं फिर लेट जाऊँगा और अपने हाथ पैर जो है मारना स्टार्ट करूँगा देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ आई went डाउन endlessly. I आई ओपन eyes. आईज नथिंग बट वाटर a अ glow, ग्लो डार्क वाटर दैट कुड नॉट सी थ्रू वो पानी जो है वो कुछ येलो कलर में दिख रहा था और उनको कुछ सामने नहीं दिख रहा था एंड देन sheer, स्टार्क टेरर सीज्ड me. बट उस समय जब कुछ दिख नहीं रहा था पानी के अंदर चले गए थे तब उनको सडनली बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आया टेरर दैट नोज नो कंट्रोल टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट इट तो इतना डर कि वो बता नहीं पा रहे हैं उनको लगता है कि अगर कोई किसी ने उतना डर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो समझ में नहीं आएगा आई वॉज पैरलाइज अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विथ फ्योर यानी वो डर के मारे पैरालाइज हो गए थे हिल नहीं पा रहे थे इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट व फ्रोजन ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेट दैट आई वॉज स्टिल अ लाइफ एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प वेन आई हिट द बॉटम तो उनको उतने टेरर ते में भी सडनली दिमाग में ये थॉट आया कि जैसे ही मेरे पैर टच होंगे बॉटम को आई नीड टू पुश बैकअप

बट द जम्प मेड नो डिफरेंस द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी आई लुक फॉर रोप्स लैडर्स वॉटर विंग्स उन्होंने सब चीज़ के लिए वहाँ पर ढूंढा पर कुछ नहीं मिला पानी के अलावा अ मास ऑफ येलो वॉटर हेल्ड मी स्टार्क टेरर टुक एंड इवन डीपो होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी डर उनको और गहरी तरीके से पकड़ लिया था आई शू कैंड ट्रेम्बुल्ड विथ फ्राइट माई आर्म्स वुडन मूव माई लेग्स वुडन मूव आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प टू कॉल फॉर मदर नथिंग हैप्प बट वो इतने डरे हुए थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और उनकी मदर के लिए वो चिल्ला रहे थे पर किसी को सुनाई नहीं रहते क्योंकि वो पानी के अंदर थे एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर एट एटलीस्ट माई आईज वाई नोस वॉज ऑलमोस्ट आउट टू देन आई स्टार्टड डाउन थर्ड टाइम आई सक फॉर एयर एंड गॉट वाटर द येलोइ लाइट वॉज गोइंग आउट Then all effort ceased, I relaxed, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. Yani I wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic, it was quiet and peaceful. Yani wo Behosh Nothing to be afraid of, this is nice to be drowsy, to go to sleep

फूल के बगल में बैठ के वो उल्टी कर रहे थे द चैप दैट थ्रू मी एन व सेग बट आई वॉज ओनली फूलिंग सम वन सैट द किड नियरली डाइड बट बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम तो कोई किसी से बोल रहा था कि वो ऑलमोस्ट मर गया था तुम उसको चलो उठाओ और लॉकर रूम में लेके चलते हैं सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग आई शूक एंड क्राइड वेन आई लेन माई बेड आई कुडेंट ईट दैट नाइट For डेज अ हॉन्टिंग fear वॉज इन माई हार्ट द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी यानी बहुत दिन तक जो है उनको वो ट्रामा जा निकल नहीं रही थी उनके दिमाग से मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक इन माई स्टमक वो कुछ खा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो डर से इतना ज़्यादा वो हिल गए थे उस एक्सपीरियंस से कि उन वो अब कुछ काम नहीं कर पा रहे थे आई नेवर वेन बैक टू the आई I वाटर आई I इट वेन एवर आई कुड a few years later when i came to know the waters of cascades cascades is waterfall i wanted to get into them and whenever i did what whether i was wading a titan or bumping river or bathing in the warm lake at the great गोट रॉक्स द टेरर एट हैक सीज्ड मी इन दूल वुड कम बैक यानी बड़े होने के बाद भी जब भी वो छोटे मोटे कहीं पर भी वाटर पार्क में जाते थे पानी में खेलने के लिए वाटर स्पोर्ट्स या फिर कोई एक छोटे से लेक जहाँ पर स्विमिंग के लिए भी उतरते थे कुछ भी करते थे उनको सडनली वो फीवर आता था एंड उनके लेग्स जो है वो पैरलाइज हो जाते थे और एक आइसी हॉर जैसी चीज़ उनके हार्ट में आ जाती This handicap stayed with me as the years rolled by. In canoes, canoes on main uh, lakes. Canoe is a small boat. इस प्रकार का boat है वो. इस प्रकार का जो boat होता है oar के साथ, इसको canoe बोलते हैं. Okay? So this is what is a canoe. Uh, fishing for landlocked sa salmon. Salmon is a type of fish. Bass fishing in, uh, sorry, bass fishing in uh, New Hampshire. Trout fishing, trout is also a type of fish. On the uh, deschutes and metallures in Oregon, Oregon is a state in the U.S.,

क्योंकि उनको डर बैठा था आई यूज एवरी डे आई न्यू टू ओवरकम दिस फिया बट इट हेल्ड मी फर्मली इन द्रिप्ट फाइनली वन अक्टूबर आई डिसाइडिड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम आई वेंट टू अुल एंड प्रैक्टिस फाइव डेज अ वीक एंड आर ईच डे द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी अ रोप री अटैच टू माई बेल्ट वेंट थ्रू द पुल ही दैट रैन एंड ओवर हैड केबल यानी वो जो है हर रोज स्विमिंग सीखने के लिए जाते थे और ऐसी जगह पे जाते थे जहां पे उनको जो है एक रस्सी से बांध दिया जाता था और उनको पानी में डाला जाता है सो दैट ही हैव टू अगर वो डूब भी गए तो वो पुली जो है उनको बाहर निकाल देगी ऑटोमेटिकली

इट वॉज थ्री मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक यानी तीन महीने लगे उनको थोड़ा पानी से आदत और डर निकलने के लिए देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्जेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल फिर उन्होंने इनहेलेशन और एग्जेलेशन सिखाया पानी में बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड दैट सीज मी वैन माई हेड वेंट अंडर वॉटर नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स For weeks, I just did that. At first, my legs refused to work, then they gradually relaxed, and finally, I could command them. Thus, piece by piece, he built a swimmer. एंड वेन ही हैच पीस ही पुट देम टूगेदर इन टू एन इंटीग्रेटेड होल यानी वो अलग अलग से इन्हीशन एक्जलेशन अलग से पानी के अंदर सर रखना एक अलग इसमें और पैर से मारना एक अलग इसमें हैंड मूवमेंट अलग सो so, हर चीज़ जो है अलग अलग से खाया कई महीने और हफ्तों तक और उसके बाद सब कुछ एक साथ जोड़ के उनको स्विम करने के लिए बुलाया इन्हे प्रल हिसाइ नाव यू कैन स्विम डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल क्रॉल स्ट्रोक यानि तुम कुछ भी करो यहाँ से वहाँ जाके पूल से वापस आओ आई डिड द इंस्ट्रक्चर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड आई स्टिल वई वी टेरर स्ट्रिकन वेन आई वॉज अलोन इन दूल आई ट्राईड इट आई स्वॉम द लेंथ अप एंड डाउन टाइनी विस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वु रिटर्न यानी अभी भी उनके मन में अकेले स्विम करने के लिए थोड़ा बहुत डर था बट नाउ आई कुेर ट्राइंग टू स्केयर मी आ वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई गो फॉर अनादर लेंथ ऑफ दूल तो वो खुद को बोलते थे कि मुझे डराने की कोशिश करो देखो मैं वापस जाके आने वाला हूँ दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज नॉट सेफाइड बट उस उससे उससे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला सो आई वेंट टू लेक वर्थ इन न्यू हेम्पेयर डाइव ऑफ एट डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम टू माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एट आईलैंड वो एक आईलैंड से दूसरे आईलैंड तक जो छोटा सा एक स्ट्रीम रहता है जैसे ये एक छोटा सा आइलैंड है और ये एक छोटा सा आइलैंड है तो यहाँ की जो बीच की गैप है तो उन्होंने यहाँ से ले कर यहाँ तक स्विम किया ओके okay? 2 miles thi hai when it was the middle yani 2 miles yani almost 3.2 kilometers when in the middle of the lake I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went to the Titan on Conrad's Meduse, uh, up the Conard uh, Greek Trail and Glacier, and camped in the high Mendew side of Warm Lake.

at last i felt released free to walk the trails and climb the peaks and brush aside fear finally uh, Apni uh, finally joa uh, swim kar hai. how does douglas make clear to the reader the sense of panic that grim because of the description that he has given. How did douglas overcome ओवरकम fear of ऑफ by practicing प्रैक्टिसिंग बिट bit बिट एंड गिविंग इट अ लॉट ऑफ टाइम विथ why does douglas as an एन एडल्ट रिकाउंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जैसे हमने डिस्कस किया एक ट्रोमैटिक एनिवर्सरी होती है जिसमें आप कोई ट्रोमैटिक इंसिडेंट्स के थ्रू जाते हैं तो आपका दिमाग जो है हर बार जब भी आप सिमिलर सिचुएशन में रहते हो या उस समय साल का उस समय जब आता है तो आपके मन में जो है वो एक फ्यर रहता है सो दिस इज़ वॉट द स्टोरीज अबाउट आई होप ऑल यू हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्राम इट तो आपके भी कोई फीयर्स है तो लेट्स ऑल ट्राई एंड ओवरकम दोज फीयर्स थैंक यू So, thank you very much, and please do not forget to use my code RITI uh, so that you can avail a 10% discount.